चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। कश्यप एकता क्रांति मिशन, संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा ने आज महावीर चौक से जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर हाथरस की बेटी के कातिलों को फांसी दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। देवेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े बलात्कार, हत्याएं, लूट हो रही हैं, दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करें। जय भगवान कश्यप एवं सुमित कश्यप ने कहा कि योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को 8 दिन के अंदर फांसी दी जाए। धरने में मुख्य रूप से राकेश कश्यप, सुमित कश्यप, अंकित कश्यप, संचित कश्यप, बारबी कश्यप, गौरव कश्यप, दीपक कश्यप, सोनू कश्यप, मनोज कश्यप, सचिन कश्यप आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। कश्यप एकता क्रांति मिशन का आज ये बहन जो मनीषा कश्यप हाथरस में जिनके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया है और इतनी बड़ी उनके परिजनों को बिना बताए उनका दाह संस्कार कर दिया गया, आज ये सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। योगी जी पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन के अंदर 4 दरिंदगी हो चुकी है, हत्याएं, बलात्कार, माँ बहन इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रदर्शन को करने के लिए आज कश्यप एकता क्रांति मिशन की पूरी टीम, भाई सुमित कश्यप और पूरी टीम आज आई है और सरकार से ये मांग करती है कि जो दरिंदे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी तो हो गई है, उनको 4 दिन के अंदर चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। हम ये मांग करने के लिए अभी जुलूस के रूम पे डीएम साहब के पास जाएंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। और आज ये समाज में जो योगी जी फेल हो गए हैं, हम फिर मांग करते हैं कि अगर योगी जी पे प्रदेश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। वो सरकार चलाने लायक नहीं है क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं है, वे दूसरों के बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। रात के 3 बजे एक बेटी का बलात्कार होके उसकी मौत होने के बाद उसके परिजनों को बिना बताए उसका दाह संस्कार हो जाता है। हम इसका विरोध करते हैं। कश्यप एकता क्रांति मिशन इसका विरोध करता है।